नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि 4 सितंबर को कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने आंगनवाड़ी सेंटर में और सुपरवाइजर्स अपने एरिया में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस समय राष्ट्रीय पोषण माह 2024 चल रहा है, तो इसमें जो पिछली एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस की थी, अगर किसी की वो एक्टिविटी रहती है तो आप वो वाली एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ही एक्टिविटी आपने वही एक्टिविटीज़ दिन करनी है। अगर आपकी कोई पेंडिंग रह जाती है तो वो आप पिछली एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो हम डिस्कशन करेंगे कि नेक्स्ट जो है, हम बात कर रहे थे तो इसमें जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं, जो कैलेंडर आया है हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से, तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है पंचायत बेस्ड सेंसिटाइजेशन सेशन ओब्लिक एक्टिविटी ऑन एनीमिया। तो इसमें ब्रैकेट में है अलोंग विद एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। तो इसमें क्या है कि जो पंचायत बेस्ड सेंसिटाइजेशन सेशन, तो आपने पंचायत में, जैसे किसी एक आंगनवाड़ी सेंटर में, पंचायत में जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं सब इकट्ठे हो सकते हैं, वहाँ पे सुपरवाइज़र जा सकते हैं, आपके जो रिस्पेक्टिव CDPOs हैं वो जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला सकते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसलिए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे। आप पर्टिकुलरली जो हमारा जो ICDS के रिलेटेड जो पोषण अभियान है इसी के बारे में बात करेंगे। तो दैट मींस कि पंचायत लेवल पे आपने जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, फीमेल्स हैं 15 से लेकर 45 साल तक, या फिर कोई NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो पंचायत लेवल पर आप बुला सकते हैं और आप एक पूरा जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। किसके बारे में सेंसिटाइज, किसके बारे में करना है, वही जो एनीमिया के बारे में करना है कि जो खून की कमी की प्रॉब्लम है उसके बारे में सेंसिटाइज करना है, उसके बारे में अवेयर करना है। उसके साथ ही जो अलोंग विद एंटीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर, अब जो एंटीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर क्या होते हैं, एंटीनेटल केयर जो है इट इन्वॉल्व्स जो कंसल्ट्स, एग्जामिनेशंस एंड अल्ट्रासाउंड स्कैन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जो एंटीनेटल है, दो वर्ड्स हैं, एक है एंटीनेटल और दूसरा है पोस्टनेटल। तो ये जो नेटल है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी है, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय जो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना होता है, एग्जामिनेशंस करने होते हैं, ब्लड टेस्ट करने होते हैं कि कहीं खून की कमी तो नहीं है, कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, जो हीमोग्लोबिन है 12 ग्राम पर डेसिबल, जो डेसिबल से कम तो नहीं है, अगर कम है दैट मीन्स वो एनीमिक है, तो उस केस में डॉक्टर्स रिकमेंड जो करते हैं वो आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट्स करते हैं। तो इसीलिए जो एंटीनेटल केयर है वो ज़रूरी है, प्रेगनेंसी के टाइम जो डॉक्टर का चेकअप करवाना, उन कंसल्टेंट के पास जाना, एग्जामिनेशन करवाना, अल्ट्रासाउंड है, स्कैन है, तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको एंटीनेटल चेकअप करते हैं कहते हैं, या एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो जो पोस्टनेटल केयर है वो है जब बच्चे का बर्थ हो जाता है, उसके बाद जो लैक्टेटिंग मदर को केयर दी जाती है उसको पोस्टनेटल केयर कहते हैं। तो ये जो अप टू जो 6 वीक्स सप्ताह तक मदर की केयर रखी जाती है उसको पोस्टनेटल केयर कहते हैं। मीन्स जो बर्थ के पहले जो प्रेग्नेंट लेडी की केयर होती है उसको एंटीनेटल केयर कहते हैं, और जो बर्थ के बाद केयर होती है, जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी केयर है, जब बच्चे की केयर की जाती है तो उसको पोस्टनेटल केयर कहते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो एनीमिया की वजह से, एनीमिया के कारण जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं, कई बार वो मोर्टेलिटी के शिकार हो जाती हैं, मेटरनल मदर की डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव इशू है, किसी कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर है वो एनीमिया के शिकार नहीं होनी चाहिए, जी हमने इंश्योर करना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो आप ले सकते हैं वो है आयुष फोकस्ड सेंसिटाइजेशन ऑन एनीमिया बाय आयुष एक्सपर्ट।
तो आप देखते होंगे कि आपके एरिया में आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, उनको आपके जो रिस्पेक्टिव CDPOs हैं वो बुला सकते हैं, वो क्योंकि वो आयुष में एक्सपर्ट हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आयुष क्या है। आयुष जी एक एक्रोनाइम है, किसके लिए है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, स्वागरीपा और उसके बाद होम्योपैथी, जी किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो जिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इनके रिलेटेड है। तो जो आयुष डॉक्टर है उनको आप बुला सकते हैं, आपके जो वर्दी CDPO हैं वो एक्सपर्ट मीन्स आयुष डॉक्टर को बुला सकते हैं और वो इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं एनीमिया के बारे में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम कर सकते हैं वो है वेबिनार ऑन रोल ऑफ आयुष टू एड्रेस एनीमिया। तो आप अगर आयुष डॉक्टर नहीं आ सकते हैं तो उस केस में आप वेबिनार का आयोजन भी कर सकते हैं, जिसमें जो आयुष डॉक्टर है या आयुष के जो एक्सपर्ट है वो एक्सप्लेन कर सकता है उस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वेबिनार क्या होता है। जो वेबिनार है वो वेब बेस्ड सेमिनार होता है जी, एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है। तो इससे क्या होता है कि होगा कि अगर ऑनलाइन मीटिंग लेंगे, उस मीटिंग में हमारी जो सुपरवाइजर्स हैं, हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो सब पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जहां वेरियस स्टेक होल्डर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें जो आयुष डॉक्टर हैं, जो आयुष एक्सपर्ट हैं, वो बता सकते हैं कि जो एनीमिया को हमने, एनीमिया के कारण क्या हैं, इनको हमने टेस्ट, ट्रीट और टॉक एनीमिया, जी जो थ्री टीज हैं, इस पे डिस्कशन कर सकते हैं और एनीमिया के कारण कैसे क्या है और फिर एनीमिया को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, मीन्स एनीमिया को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो आयुष डॉक्टर हैं वो जो वेब बेस्ड सेमिनार है, जो वेबिनार है, उस पे बता सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आजकल अगर वेबिनार हो तो गूगल मीट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें हम ये जो वेबिनार भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि ट्राइबल फोकस्ड एनीमिया कैंप कम सेंसिटाइजेशन सेशन। अगर आप ट्राइबल एरिया में रहते हैं, अगर आपका आंगनवाड़ी सेंटर जनजातीय एरिया में है, तो उसमें आप ट्राइबल फोकस्ड जो एनीमिया कैंप है वहाँ पे लगा सकते हैं और सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, एनीमिया के बारे में बता सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी टॉपिक चार तरह को ले सकते हैं, इसमें से कोई भी जो एक्टिविटी है वो ले सकते हैं। लेकिन आपसे ये साथ साथ रिक्वेस्ट है कि जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के रिलेटेड आपने पिक जो है वो ज़रूर जो डैशबोर्ड है उस पर अपलोड करनी है। तो कोशिश करना है कि जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे स्केच पेन से जहाँ किसी से भी आप पेन से सिंपल एक पेज में लिख के उस एक्टिविटी को पीछे आप लिख के रख सकते हैं, ताकि पता चल सके कि ये जो एक्टिविटी है इस आंगनवाड़ी सेंटर में, जहाँ इस सेक्टर में, जहाँ इस प्रोजेक्ट में वो चल रही है। प्रोजेक्ट लेवल और सेक्टर लेवल पर आई थिंक की जो बैनर्स हैं वो होते होंगे, वो लगाते होंगे, लेकिन अगर आप फिर आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे कर रहे हैं उस केस में आप एक पेज पे भी लिख के वो जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आप सामने लगा सकते हैं, क्यों, ताकि वो सामने शो हो सके और रेलिवेंट फोटोज़ ही आपने जो पोषण पोर्टल है, जो पोषण अभियान जन आंदोलन का पोर्टल है, उस पर अपलोड करने हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।